वॉल क्लॉक को या रिस्ट वॉच को एक मिरर के सामने रखा गया है, उसके सामने फ्रंट में क्या रख दिया गया है, एक प्लेन मिरर। कैसे रखा है? फ्रंट में। जैसे दो पैरेलल वॉल को कंसीडर कीजिए, तो सामने सामने के वॉल पे एक वॉल पे क्लॉक है और दूसरे वॉल पे क्या लगा हुआ है, मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट का टाइम केवल आवर में दिया हुआ है, मतलब ऐसा घड़ी है जिसमें मिनट सेकेंड हैंड नहीं है, ठीक है, सिर्फ आवर बताने वाला हैंड है, तो उसमें अगर टाइम ए एच हुआ है, ए एच क्या लिखा है, ये ऑब्जेक्ट का टाइम, ए एच जो लिखा हुआ है यहाँ वो किसका टाइम है, ऑब्जेक्ट। तो इमेज का टाइम होगा 12 माइनस ए एच। एग्जाम्पल के लिए अगर ऑब्जेक्ट में बज रहा है मान लीजिए 10, ऑब्जेक्ट में कितना बज रहा है 10, मिनट हैंड ये सब नहीं है, खाली आवर हैंड है, तो इमेज में कितना टाइम दिखाएगा, 12 माइनस 10 यानी कि 2 बजे दिखाएगा। क्लियर हो गया? सिर्फ अगर आवर हैंड है तो ऐसा होगा। ऑब्जेक्ट में बज रहा है 11 ओ क्लॉक, तो इमेज में कितना बनेगा, 12 माइनस 11 कर देंगे, मतलब ये 12 में से ए को माइनस कर देना है, ऑब्जेक्ट के टाइम को माइनस कर देना है, तो इमेज का टाइम मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये वो कैसे करना है, अगर मिनट हैंड साथ में है तो ऑब्जेक्ट का टाइम दिया है ए एच बी एम, ए का कुछ भी वैल्यू रह सकता है, वो आवर में रहेगा और बी जहाँ लिखा है वो मिनट में रहेगा, ठीक है। तो इमेज क्या करना है आपको, तो जो 12 था ना, 12 को 11 आवर बना दीजिए, जो 12 आवर था उसको क्या लिख देंगे, 11, और एक उसमें से एक आवर बच गया, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो अगला 60 लिख देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करते समय 11 आवर लिखेंगे और 60 मिनट लिखेंगे अलग अलग, और जो ऑब्जेक्ट में आवर है उसको 11 से माइनस करेंगे और जो ऑब्जेक्ट में मिनट है उसको 60 से माइनस करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, देखिए मतलब 11 आवर 60 मिनट में से सब्ट्रैक्ट करना है ए आवर और बी मिनट, ए और बी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे 10:30 टाइम कितना हो रहा है, अगर 10:30 हो रहा है टाइम, 10 आवर और 30 मिनट ऐसा है, तो 11 में से 10 माइनस करेंगे और 60 में से 30, तो इमेज का टाइम कितना दिखाएगा, तो 130 दिखाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट में अगर 10:30 है तो इमेज में क्या दिखाएगा, 130। एक और आप ट्राई कीजिएगा, इस बार अगर ऑब्जेक्ट में टाइम हो रहा है 215 हो रहा है तो इमेज में क्या टाइम होगा, तो 1160 में से 215 माइनस कर दीजिए तो 945 टाइम इंडिकेट करेगा इमेज में। क्लियर हो गया ये? अब तीसरा, अगर टाइम तीनों में दिया हुआ है, मतलब मिनट हैंड भी है, आवर हैंड भी है, सेकेंड हैंड भी है, तीनों अगर बना हुआ है तो कैसे करना है, ए और ऑब्जेक्ट में आवर ए में है और मिनट बी में और टाइम सेकेंड सी में अगर लिखा है, तो 11 आवर रहने देंगे और जो 60 मिनट था उसको क्या लिख देंगे, 59 मिनट लिखेंगे और एक मिनट जो बच गया उसको 60 सेकेंड बना देंगे, 60 सेकेंड, तो आवर मिनट और सेकेंड तीनों बन गया। अगर ऑब्जेक्ट, कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट में टाइम हो रहा है 2, आवर में 2 इंडिकेट कर रहा है और मिनट में इंडिकेट कर रहा है 30 और सेकेंड में इंडिकेट कर रहा है 15, ऑब्जेक्ट का टाइम क्या दिखा रहा है, 2 आवर 30 मिनट और 15 सेकेंड, तो उसका इमेज में कितना इंडिकेट करेगा, तो 11 में से 2 माइनस करिए, 59 में से 30 और सेकेंड 60 में से 15, तो ये कितना आ जाएगा, आवर में कितना आएगा, 9, तो इमेज आएगा 9 आवर 29 मिनट एंड 45 सेकेंड। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन देते हैं इस पे, बस ट्राई कीजिए आप। इफ ऑब्जेक्ट टाइम इज 7 आवर, इफ ऑब्जेक्ट टाइम इज 7 आवर, 7 आवर 29 मिनट एंड 30 सेकेंड, इफ ऑब्जेक्ट टाइम इज 7 आवर 29 मिनट एंड 30 सेकेंड, देन फाइंड टाइम इन, देन फाइंड टाइम इन इट्स मिरर इमेज, फाइंड टाइम इन इट्स मिरर इमेज। तो 7 माइनस किए होंगे आवर में तो 4 आया होगा और इसको माइनस किए तो 4 आवर 30 मिनट और 30 सेकेंड।
इमेज में ये टाइम हो गया।